सम्मानित मंच, हमारे विधायिका के जनप्रतिनिधि, मातृशक्ति, पत्रकार बंधु, बुजुर्गवार और सबसे महत्वपूर्ण युवा साथियों, भाई सबसे पहले आपको मुबारकबाद। जब इस देश में कोई आदमी अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करने को तैयार नहीं है तो कम से कम सही बात के लिए किसान के बेटे आज यहाँ इकट्ठा हैं। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद भाई जैन जी को। उन्होंने हमें फौजियों को बुलाया था, उन्होंने कहा कि मैं इस मुद्दे पे जानना चाहता हूं कि ये योजना कैसी है। हम लोगों का दिल्ली में विचार हुआ, उन्होंने हमें ये कहा कि क्या आप लोगों के लिए संभव है कि आप हमारी मीटिंग में आवें, क्योंकि जब आप खुद कहेंगे तो जनता को क्या मीटिंग में फायदे हैं क्या नुकसान है समझ में आएंगे। हमने कहा जी मुल्क का मामला है, हम सरहदों पर मुल्क की हिफाजत करते हैं, जब अंदर ही दीमक लग जाएगी तो सरहदों पे हम क्या बचाएंगे, इसलिए हम आपकी मीटिंग में जरूर आएंगे। मसला आज अग्निवीर अग्निपथ का है आपके सामने। देखिए साहब भाई, या तो इतने आए हो तो काम की बात सुन लो और ये रुका रोला कर लो बंद। ऐसा है अग्निवीर अग्निपथ योजना के बारे में बहुत कुछ पढ़ा लिखा, अखबार टीवी पे सुना जा चुका है। देखिए हम किसी तरह की हिंसा की वकालत नहीं करते, ये देश हमारा है, इसका अगर पत्ता भी टूटता है तो हमारे मुल्क का पत्ता टूटता है। और हमारा बेटा, हमारे यहाँ का भाई भतीजा सरहद पे खड़ा है इस मुल्क को बचाने के लिए, तो इस मुल्क के पत्ते भी तोड़ने के गुनाहगार हम नहीं हो सकते जिसकी हिफाजत में हमारा भाई खड़ा है। एक बार लेकिन उन लड़कों पे आरोप है, उन बच्चों पे आरोप है कि उन्होंने आग लगाई, उन्होंने आग लगाई, उन्होंने बस जलाई। माफ कीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी, इन बच्चों की ट्रेनिंग कोई आंदोलन करने की नहीं थी। ये जो बच्चे दौड़ते थे दो दो बजे जून जुलाई की गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, ये कोई आंदोलन करने के लिए नहीं दौड़ते थे, ये फौज में भर्ती होने के लिए, मातृभूमि की सेवा करने के लिए और जरूरत पड़े तो जान माल गंवाने के लिए दौड़ते थे। और निश्चित तौर पे, और निश्चित तौर पे ये बच्चे किसी एटीएम का गार्ड बनने के लिए नहीं दौड़ते थे, किसी लाला के बाहर खड़े होकर डंडामैन बनने के लिए नहीं दौड़ते थे, ये इस मुल्क की हिफाजत के लिए दौड़ते थे। ये बात हर किसी को समझ आ जानी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये तो बच्चे थे, इनकी ट्रेनिंग नहीं थी। आप तो 13 साल से मुख्यमंत्री थे, 8 साल से प्रधानमंत्री थे, इन बच्चों ने आग लगाई लगाई, आपने देश में क्यों आग लगाई, सवाल ये है। इन बच्चों की तो ट्रेनिंग भी नहीं थी भाई, इन बच्चों की तो ट्रेनिंग भी नहीं थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी, जब 13 साल मुख्यमंत्री रह के, 8 साल प्रधानमंत्री रह के और 70 साल की उम्र में आपको कुर्सी का शौर नहीं आया, तो ये 4 साल की नौकरी में लड़का कैसे सुपरमैन बन जाएगा, लड़का कैसे सुपरमैन बन जाएगा। ये बेचारा नाम का चाहे अग्निवीर होगा लेकिन दुश्मन के सामने भेड़ियों के आगे मेमने की तरह काम आएगा और बाहर आएगा तो बर्बाद हो जाएगा। अगर एक वाक्य में मुझसे पूछा जाए अग्निवीर अग्निपथ क्या है, अग्निदेव का नाम लिया गया है, अग्निवीर अग्निपथ ये है कि इन बालकों के जीवन में ये योजना आग लगाएगी, फौज में ये फौज की परंपराओं में आग लगाएगी और माफ कीजिए बाद में ये देश में भी आग लगवाएगी। ये है अग्निवीर योजना। वो कह रहे हैं फौज युवा हो जाएगी, मुझे कारगिल में लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मेरी हर पीढ़ी में शहीद है और मेरी हर पीढ़ी में फौज में है। और ये मेरी कहानी नहीं है, या ये हर गांव के उस फौजी परिवार की कहानी है, उस हर परिवार के हर पीढ़ी में शहीद है, हर पीढ़ी में कोई फौज में है। अब मुद्दे की बात तो जी मेरे ख्याल से कर लो, हाँ मुद्दे की तो कर ही लो। नहीं देखिए समय की मर्यादा है, समय की मर्यादा है, मुझे भी माननी चाहिए, लेकिन सिर्फ भीड़ इकट्ठी करने से, मुद्दे का न समझने से या समझ में ना आवे, भाई दो आदमी
और 100 आदमी की भीड़ होती है, सिखलाई वाला आदमी 2 आदमी 100 पे भारी पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है, वरना वो 2 आदमी की टीम होती है और 100 आदमी की भीड़ होती है। तो इसलिए जरूर समझना चाहिए। माफ कीजिए, वो कह रहे हैं फौज युवा हो जाएगी। हमें कारगिल में लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जो 30 साल का 35 साल भाई जो 17-19 साल में भर्ती होता है, वो 15 साल 17 साल नौकरी करके आ जाता है 33 साल में 35 साल में, क्या वो बूढ़ा हो जाता है? माफ कीजिए, 30 साल का जो आदमी वहां होता है उसके साथ युवा ऊर्जा भी होती है, उसमें तजुर्बा भी होता है और हथियारों की सिखलाई भी उसकी बेहतर होती है। इसलिए बहुत सोच समझ के ये फौज बनाई गई। फौज बड़ी गरिमापूर्ण सोचता है। कोई कह रहा है आज लड़वाया जा रहा है जवानों को अफसरों से, माफ कीजिए, हमारे फौज के अफसर इसलिए चुप हैं, इसलिए नहीं है कि योजना से सहमत हैं। अभी जनरल साहब एक रिटायर हुए, उन्होंने कह दिया, ये बात आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है, उन्होंने कह दिया कि फौज में इस पे चर्चा ही नहीं हुई। जिस बात पे चर्चा ही नहीं हुई वो कहां से आई? आप कहीं अच्छा सा कोई तोहफा लेके किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो फक्र से दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? और अगर मामूली सा सगन हो तो आदमी चुपके से दिखा डाल देता है। क्या रक्षा मंत्री को देख के आपको ऐसा लगा कि योजना अग्निवीर की घोषणा करते हुए हमारे रक्षा मंत्री के चेहरे पे फक्र था? क्या रक्षा मंत्री के चेहरे पे फक्र था? नहीं था। हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री के चेहरे पे फक्र होना चाहिए जब वो इतनी शानदार योजना है। आपसे सीधी सी बात है, सीधा सा सवाल है, पंचायत है, हमारे देश की रवायत है, कोई फैसला होता है घर के बड़े लोग इकट्ठा होते हैं और फैसला करते हैं। आपसे सीधा सवाल है, पहले हिंदुस्तान में 55,000-80,000 आदमी फौज में जाता था कि नहीं जाता था? हर साल जाता था कि नहीं जाता था? और वो जाता था क्या पेंशन? एक सर्विसमैन बहुत सारे होंगे, पेंशन पाता था कि नहीं पाता था? 15-17 साल की नौकरी करके आता था कि नहीं आता था? आता था, पेंशन पाता था। उसके घर वालों को मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी कि नहीं मिलती थी? मिलती थी। अब नोटिफिकेशन आ गया है, पहले ये कह रहे थे कि 46,000 उससे अलग होंगे, कोई अलग अलग नहीं होंगे, यही 46,000 होंगे, और इनको ना पेंशन की गारंटी है ना मेडिकल की गारंटी है। अब मेरा सीधा सवाल, क्या आपको 15 साल की 17 साल की